लीजिए कि आपके पास एक जिसम है जिसने, हम ये फर्ज कर लेते हैं कि उसने ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है ये तकरीबन जो डिस्टेंस था ये फर्ज कर लेते हैं कि 20 किलोमीटर है। अब चूंकि मैंने डायरेक्शन के साथ बता दी कि उस फर्द ने या उस शख्स ने ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो ये डिस्टेंस नहीं बल्कि ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और अगर मैं ये कहूँ कि सारा का सारा डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर है वो इसने इस तरीके से ट्रैवल किया कि जैसे ही वो इंसान फर्ज कर लीजिए कि कोई भी शख्स से आप हो सकते हैं मैं या कोई भी हो सकता है, फर्ज कर लीजिए कि जब ये पॉइंट ए पर था तो ए से बी पर जाते हुए इसने तकरीबन 2 किलोमीटर का जो फासला है वो तकरीबन इसने ट्रैवल किया है जो फर्ज कर लेते हैं कि एक घंटे में, फिर बी से सी तक जाते हुए फिर 2 ही किलोमीटर का फासला हम फर्ज कर लेते हैं कि 2 ही किलोमीटर का फासला ट्रैवल किया और वो भी सिंपल उसी टाइम में, यानी कि वो भी 1 ही घंटे में ट्रैवल किया है। इसी तरह अगर सी से वो डी पर चला जाए तो हम फर्ज कर लीजिए कि डी पर जाते हुए भी उसने 2 किलोमीटर का फासला जो है वो 1 घंटे में ही ट्रैवल किया है। तो फर्ज कर लेते हैं कि इसी तरह करते करते तकरीबन उसने जो है वो 20 किलोमीटर का फासला जो है वो 10 घंटों में ट्रैवल किया, यानी कि 20 किलोमीटर का जो फासला था उसने 10 आवर्स में कंप्लीट किया है। जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत ही क्लियरली कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या चीज़ें हैं, आज हम इनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि इनके ग्राफ किस तरह से हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर कोई शख्स कोई फासला ट्रैवल करे और वो फासला किसी डायरेक्शन में बताया जाए, वो ये बताया जाए, जैसे कि फर्ज कर लीजिए कि आप किसी को कहते हैं कि आपने लाहौर से इस्लामाबाद का फासला जो तकरीबन 400 किलोमीटर है इसको आपने जो है 10 घंटे में ट्रैवल किया है या 5 घंटे में ट्रैवल किया है, तो ये आपका डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो अगर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं एक ग्राफ बनाऊँ, वो ग्राफ इस तरह से बनाऊँ कि मैं ये जाहिर करना चाहूँ कि अगर कोई जिस्म इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता चला जाए, जैसे कि 2 किलोमीटर इस इंसान ने बी तक पहुँचते हुए 1 घंटे में किया, फिर बी से सी तक जाते हुए भी 2 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय किया, यानी कि इक्वल फासला जो है इक्वल ही टाइम में जो है वो ट्रैवल करता चला जा रहा है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल ही टाइम ले रहा है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि ए से बी तक जब हम आए तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर था जो कि 1 घंटे में हुआ, फिर बी से सी तक जाते ये 3 किलोमीटर भी हो सकता था लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं आई बल्कि फिर इसने 2 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 घंटे में किया। सिमिलरली इसी तरह से करता चला जाए कि 2 किलोमीटर का फासला जो है वो 1 घंटे में ट्रेवल करता चला जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में वक्त के लिहाज से कोई भी तब्दीली ना आए तो हम इस चीज़ को कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी वेलोसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई, क्योंकि अगर इसमें चेंजिंग आती, अगर ऐसा होता कि बी से सी तक पहुँचते हुए 2 की जगह ही 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर लेता ये बॉडी, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई अब इसमें चेंजिंग आ गई है, अब इसमें इसका मतलब है कि इसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गई है, लेकिन चूंकि इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास हुआ ही नहीं बल्कि जिसम ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में ट्रैवल किया है तो वेलोसिटी तो प्रोड्यूस हुई नहीं, और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कॉन्स्टेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट हो यानी कि उसमें कोई भी चेंजिंग ना आई हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसका हमें ग्राफ बनाना हो तो वो हम इस सिचुएशन का बनाते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा जो है तो इस सिचुएशन में हमें एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम लेना पड़ता है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट हमारा अलोंग वाई एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जो ये शो करती है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट में किसी भी तरह की चेंजिंग प्रोड्यूस नहीं हुई क्योंकि जो जिसम है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। अगर आप इसे ग्राफिकली बनाकर देखना चाहें या उसको और आसानी से समझना चाहें तो आप देख सकती हैं कि अगर मैं इसे इस तरह से बनाऊँ, फर्ज कर लीजिए यहाँ पर हमारा टाइम है और ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब ये फर्ज कर लीजिए जैसे कि हम पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं कि 2 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी ने 1 घंटे में ट्रेवल किया,
अगले 1 घंटे में, मतलब कि 1 से 1 घंटा गुजर गया ना, तो ये पता लीजिए कि 2 घंटों में इसने फिर जो है वो 2 किलोमीटर ही ट्रेवल किया। फिर तीसरा घंटा शुरू हो गया और तीसरे घंटे में भी इसने 2 किलोमीटर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ट्रेवल किया। तो अगर मैं इस लिहाज से इसका ग्राफ बनाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0, ये हमारे पास 1, और ये पॉइंट हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट ये 2 है। यहाँ पर सुनिंग मेरे लिए 1, 2 और 3। जब 1 घंटा गुजरा तब भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो 2 किलोमीटर हुआ। फिर अगले 1 घंटे में यानी कि 2 आवर्स हो गए, यहाँ पर पहुँच कर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर ही रहा। फिर तीसरा घंटा आ गया और यहाँ पर पहुँच कर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 किलोमीटर ही रहा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वक्त के लिहाज से इक्वल ही जो वो है वो ट्रैवल होता चला गया, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो हमारा इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट आ जाता है इस तरीके से। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट होता है अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ही ट्रैवल करे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल टाइम में ही ट्रैवल करती चली जाए तो उसमें जो है वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, और उसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। लेकिन अगर मैं ये कहूँ इसी सिचुएशन वन का नाम दे देते हैं और ये भी कह देते हैं कि सिचुएशन वन में हमारे पास क्या हुआ कि हमारा जो था डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 0 रहा। जब चेंज इन, यहाँ पे लिख देना चाहिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। तो जब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी 0 है तो इसका मतलब है कि हमारी जो वेलोसिटी है जो कि प्रोड्यूस ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि वो भी 0 है। अब अगर मैं एक ऐसी कंडीशन लगा लूँ यानी कि मैं ये फर्ज कर लूँ कि हमारा जो जिसम है या जो बॉडी है वो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है कि वक्त के साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट जो है वो तब्दील होता चला जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब किसी बॉडी का तब्दील होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब है, लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह से कहती हूँ कि यहाँ पर आपके पास कोई जिसम है, या यूँ फर्ज कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक गाड़ी है, फर्ज कर लीजिए कि गाड़ी की एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छी रहेगी समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक गाड़ी है और ये जो गाड़ी है ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में इस तरह से ट्रैवल कर रही है कि इसने जो है 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है जी 2 आवर्स में। फिर इसने क्या किया है जी कि इसने 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 घंटों में ट्रैवल किया है। सिमिलरली जिस तरह से इसके घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं कि यहाँ पे 4 किलोमीटर हो गया तो यहाँ पे 4 आवर्स हो गया, इसका मतलब है कि तय करना फासला भी बढ़ता चला जा रहा है जिस तरह से आपका वक्त गुजरता चला जा रहा है। यानी कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको 1 घंटा लगता है, फिर 2 पे आपको 2, 3 किलोमीटर पे आपको 3 घंटे लगे हैं, 4 किलोमीटर पे आपको 4 घंटे लगे हैं। यानी कि ये नहीं हुआ कि 2 किलोमीटर पे भी अगर आपको 2 घंटे लगे या 3 किलोमीटर पर भी 2 घंटे लगते, या इस तरह की सिचुएशन हो जाती कि 2 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 घंटे में होता, फिर 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 2 घंटों में होता, फिर 2 किलोमीटर का 2 घंटों में होता। तो हम कह सकते थे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इसका मतलब है वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन अब देखें तो यहाँ पर फर्क पड़ता चला जा रहा है, पहले बॉडी ने 2 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल किया, फिर वो 3 किलोमीटर पर आ गई, फिर वो 4 किलोमीटर पर आ गई। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता चला जा रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मुझे इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए कि ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हमारा टाइम है, इसे एक्सटेंड कर लिया जाए कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड देन 4। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से कर लेते हैं कि ये 1, ये 2, ये 3 और फिर 4। जैसा कि हमने कहा कि क्या हुआ जी कि बॉडी ने 2 किलोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 घंटों में ट्रैवल किया इस तरीके से, फिर 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट 3 घंटों में और 4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 घंटों में ट्रैवल किया। तो इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं और इन्हें हम लोग इस तरह से जो है वो सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं
हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो कि ओरिजिन से टच करती है, ओरिजिन से पास करती है। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है जो कि स्ट्रेट लाइन है, उसमें हम वेलोसिटी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम वेलोसिटी को इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्लोप के बारे में कि कोई से दो पॉइंट्स ले लिए जाते हैं, उन पॉइंट्स को आपस में जैसे यहाँ पर मिला दिया गया, तो ये वही चीज़ जो है ये हमारी जो है पीक की जो देखा जाए से गौर करें तो ये ट्राइंगल सी बन जाती है। और ट्राइंगल में जो ये वाली साइड होती है इस साइड को हम लोग कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाली साइड भी है। और हमें ये भी मालूम है कि जो टैन थीटा है, टैन थीटा हमारा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो इस सिचुएशन से इस तरह की कंडीशन लगाकर हमें जो है वो स्लोप मिल जाती है। और स्लोप जो है ये हमारी वेलोसिटी के इक्वल होती है, यानी कि स्लोप की जो भी वैल्यू आएगी हम ये कह सकते हैं कि स्लोप की ये वैल्यू जो है ये हमें वेलोसिटी देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्लोप की वैल्यू हमें जो है वेलोसिटी कैसे दे सकती है। ये वेलोसिटी इस तरीके से दे सकती है कि परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो है हमारा परपेंडिकुलर जो है डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डी, और हमारा बेस जो है वो टाइम। तो डी बाई टी की जो रेशियो है उसे हम वेलोसिटी ही तो बोलते हैं। तो इस तरह जो स्लोप है उससे हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर अब तीसरी कंडीशन ये हो जाए, इस कंडीशन में एक और बात ये भी थी कि इस कंडीशन में हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज होती है। और जो एक दूसरी कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसमें हमारी वेलोसिटी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में यूनिफॉर्मली चेंज ना हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो चेंज ना हो, बल्कि एक इस तरह के तरीके से हो कि कभी इसमें वेरिएशन ज़्यादा आ रही है, कभी डिक्लाइनेशन आ रही है, कभी बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि जिस्म का यूनिफॉर्म ना रहना, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि अब हमारी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो हमारा ग्राफ है ना, वो हमारा ग्राफ कुछ इस सिचुएशन का बनता है कि उस सिचुएशन में ये हमारा टाइम, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, और वो हमारा जो ग्राफ आएगा ना वो इस तरह से आएगा जो कि शो करेगा, एक कर्व लाइन बन जाएगी जो कि ये बताएगी कि आपकी बार जो है आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हुई। और यहाँ पर भी आप जो वेलोसिटी है उसे स्लोप के तरीके से कोई भी दो पॉइंट लेकर इजीली स्लोप बनाकर उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि इसमें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती जो कि आपको ये बताती है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके टाइम के साथ जो है वो इक्वली वेरिएट नहीं कर रहा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, जिसम जो है वो इक्वली डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा। तो इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में आपके पास एक कर्व बन जाता है। तो आप कहते हैं कि अब की बार जो हमारे पास वेलोसिटी आई है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आई है। जैसा कि अगर मैं आपको ये ग्राफ एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको इजीली बता सकती हूँ कि लेट्स सपोज, इसे फर्ज कर लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए, देन बी, फिर सी, देन डी। अब आप देखिए तो ओ से लेकर ए तक मुझे मालूम है कि ओ से लेकर ए तक जो हमारी वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है जो कि ओरिजिन से मैच करती है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो वक्त के लिहाज से तब्दील हुआ है। और जब भी डिस्प्लेसमेंट वक्त के लिहाज से वेरिएट करता है, तब्दील होता है, तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। और अगर स्ट्रेट लाइन आए जो कि ओरिजिन के साथ टच करे, ओरिजिन से मैच करे, तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है इस टाइम प्रोड्यूस हुई वो यूनिफॉर्म ही है। अब अगर मैं ए से लेके बी तक की बात करूं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो है वो आप देखें तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में भी हमारे पास जो है वो वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इस सिचुएशन में हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। और अगर अगली सिचुएशन की बात की जाए यानी बी से लेके सी तक, तो बी से सी जो है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ये बताती है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, और जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता है तो हमें मालूम है कि जो हमारी वेलोसिटी है
वही रहोगी। सिमिलरली सी से डी फिर वही कंडीशन आ जाती है जो हमारे पास ओ से लेकर ए तक थी। तो इस तरह के डिफरेंट ग्राफ से हमें मालूम हो जाता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, फर्स्ट कर लीजिए कि ये सारा का सारा मैप आपके लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक के ट्रैवल का था। तो अब आपको मालूम है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया है लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक, उसमें ओ से लेकर ए तक इतने फासले तक आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना रहा। उसके बाद आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई, उसके बाद फिर जो है आपका डिस्प्लेसमेंट था वो कांस्टेंट भी रहा कुछ रास्ते में, उसके बाद फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। जब इस तरह की लाइन आती है ना हमारे पास, वो ये भी हमारे पास शो करती है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव उस वक्त आती है जब डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास जो है वो कम हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह के ग्राफ से जो है वो आप समझा सकते हैं कि आपका जो सफ़र है, दौरान सफ़र आपका डिस्प्लेसमेंट किस किस टाइप का रहा है, कहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, कहाँ पर कांस्टेंट था, कहाँ पर जो है वो डिक्रीज हो रहा था। आप ये सारी सिचुएशन उस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम लोग अपने डेली लाइफ में अपने ट्रैवल्स वगैरह को देख के बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं।